मस्जिद कुबा फसल्ला फीही सलातन का नजर आ रहा है वो मस्जिद अबू बकर सदीक है, मस्जिद खमामा, मस्जिद अली, मस्जिद अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। आगे सामने जो मस्जिद हमारे होटल के साथ है ये मस्जिद सुनुरैन है, उस्मान गनी के नाम से मंसूब है। आपके बिल्कुल होटल के सामने ये देखो दो ऑटो छोड़ के आगे पीछे ये हरम की छतरी नजर आपको आ रही है, हरम शरीफ मस्जिद नबी नजर आ रहा है। आज आपके अभी बिल्कुल उल्टे हाथ में देखते जाए अपने होटल के साथ ये जो मस्जिद है मस्जिद जिन्नुरैन है, मस्जिद जिन्नुरैन, उसके आगे फिर मस्जिद है मस्जिद बिलाल। आज उल्टे हाथ में देखिए जरा, ये अपना होटल है, ये साथ में मस्जिद जिन्नुरैन है। अभी फिर आगे उल्टे हाथ में देखेंगे आप तो सामने आपके मस्जिद बिलाल, सीधे हाथ में उल्टे हाथ में मस्जिद बिलाल है। तो सफर का आगाज तो सलाम से करेंगे, अल्लाहुम्मा सैयदना मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मौला मुहम्मद वाला आलि सहाबी वसलम हाजिर बाद सलाम। रात को लोग पूछ रहे थे खाने के लिए, आइए देखे नहीं होटल फारसी का बाग, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु आकर अस्सलाम ने मक्के में हजरत बिलाल हबशी को आजाद किया, मदीने में हजरत सलमान फारसी को आजाद किया। हजरत सलमान फारसी जब बिकते बिकते मदीना शरीफ में पहुंचे एक यहूदी के गुलाम, तो आकर अस्सलाम मदीने के ताजदार जब मदीने में तशरीफ लेकर आए, सुभानअल्लाह, अभी उधर आपको लेकर जाएंगे जहाँ पे मदीने की बच्चियों ने अंसार की बच्चियों ने तख बजाकर सरकार का इस्तकबाल किया। तो क्या पड़ा था तालाल, इंशाल्लाह उधर भी लेकर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो हजरत सलमान फारसी मदीना शरीफ में, तो एक आदमी उसके मालिक का दोस्त आया कर कहता है यार मदीने में एक आदमी आया है, उसने नबूवत का दावा किया है, इतना खूबसूरत है नूरानी। हाजी भाई सभी हम जामे हैं हजरत सलमान फारसी की बाग की तरफ, रोड उधर से बंद है, आगे से घूमकर वापस आएंगे। सलमान फारसी को इधर खजूरें लगाई अपने हाथों से, तो हजरत सलमान आगे वो जगह आने वाली है। हजरत सलमान और दो तीन कसी जियारते हैं, हजरत इमाम जैनुल आबिदीन का घर है उसकी भी तमीर हो रही है और उनको महफूज किया जा रहा है, दूर से दिखाएंगे अंदर नहीं जाने दे रहे, काम चल रहा है। कल पिछले हफ्ता भी गए थे तो गाड़ी वापस मुश्किल से नहीं आ रही थी वापस, ठीक है जी। इतना सामान पड़ा हुआ उधर, पत्थर तबूक शबूक वगैरह वगैरह, गली भी बिल्कुल तंग है। हाँ जी यमीन जमीन में दाखिल है मल बेद ना बेद में खाके शफा अनुभव मुश्किल बेद सही इतने सही। ये सामने जो मकान बन रहा है हजरत इमाम जैनुल आबिदीन का घर है, जब आप मैदान करबला से वापस आए तो इस जगह भी रहस पीछे नहीं होंगे। ये सामने अब नीचे तक ठीक है जी, सामने देखे जी जो घर बन रहा है ना सामने उधर उसको महफूज किया जा रहा है, ठीक है। ये सामने हजरत इमाम जैनुल आबिदीन का घर, चले जी बाकी और हजरत इमाम सैन आबिदीन आपको जब लेकर जा रहे थे उनके शाम की तरफ, तो इन्होंने मनाती कराई हुई थी कैदे ले आ रहे हैं, तो हजरत इमाम सैन आबिदीन सुने जरा, गल्ला कर कर शाम चोने पिया, जो मेरी तरफ हजरत इमाम सैन आबिदीन क्या मेरे को पता है एक ये सारा सलमान ये टेलीफोन कॉल है किसने चलाया हुआ है गल्ला कर कर शाम चोने पिया, ये कौन आया जंगीरा विच इक बीबी है तवर की। ये स्कूल के बिल्कुल मदरसे के सामने बीरे गरस वक्फ मिली आसान। हाँ जी भाई साहब अपने सीधे हाथ में देखो इधर, हाँ जी एक मिनट गाड़ी जा रही है। हाँ ये सामने देखो ये जियारत है बीरे गरस,
वो क्या है पीरे गरस अकेला सलातो सलाम को आखिरी गुस्ल मुबारक के कुओं के पानी से दिया गया था। हाँ जी भाई माशाल्लाह जिंदाबाद मोहम्मद सलीम वो बोलता मुश्किल में आगे गाड़ी लेके जाता हूँ उधर से गवा लेता हूँ। ठीक है जी ये पीरे गर्स है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे आकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली मुझे गुस्ल इस कुएं के पानी से दिया जाए और अभी ये खुला हुआ है अगर आपने लेना हो तो यस कभी खोलते हैं असर के बाद ना फिर छोटी गाड़ी में आ जाओ कभी कभी खोलते हैं ये। ठीक है ये पीरे गर्स लिखा हुआ है ना ऊपर करीब से इसकी तस्वीरें ले लो और दुरूसी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा देख रहे सामने बिल्कुल सामने बीरे गरस है आका ने सलातो सलाम को बोल रहे रात ने फरमाया कि ए अली मुझे इस कुएं के पानी से गुसल दिया जाए आपके उल्टे हाथ में बीरे गर्स दुरूद व सलाम पढ़ते हुए ज़ियारत करेंगे अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा हो या रब वलो तेरे ते ही नाम आमना लखा तेरे ते दरूद ते सलाम आमना सुभान बाबा से बुलंद और पढ़ना भी साथ में हो या रब वलो तेरे ते ही नाम आमना लखा तेरे ते दरूद ते सलाम आमना काबा तेरे घर वलो किया चुकदा काबा तेरे घर वाले पिया झुकदा जिथे आके जमाना सारा झुकदा काबे की ताता। आगे से वापस आते हैं अभी सीधे हाथ में देखो ये मदरसा सीधे हाथ में देखो ये मदरसा अहले कसवा मदरसा अहलिया। ठीक है ये सनियतुल विदा का मकाम है सामने वो किला भी देखो सीधे हाथ में अंदर। ठीक है ये जो मकाम है यहाँ पे मदीने की बच्चियों ने तह बजाकर हजूर का इस्तकबाल किया था। अभी आगे आते हैं गवाह की गाड़ी तो फिर दोनों साइडों में आपने देख लेना है और अंसार की बच्चियां मदीने की बच्चियां इधर खड़ी है आकर सलातो सलाम सुनारी पर सवार है सुभान अल्लाह मेरे आकर सलातो सलाम मदीने के ताजदा तो मदीने में तशरीफ लेकर आए तो बच्चियों ने तह बजाकर कहा ताला बदर। अभी मैं वापस जाता हूँ इधर से उधर जाके उसी जगह पे ये पढ़ेंगे कलाम ये कलाम उसी जगह पे पढ़ेंगे जाके या
यानी उल्टी आंख में देखो, ये सामने जो व्हाइट कलर की मीनार में मस्जिद नजर आ रही है, ये मस्जिद कुबा है, ये मस्जिद कुबा है, ये इस्लाम की पहली मस्जिद है, ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। मन ततहर फी बैतिही सुम्मा अता मस्जिद कुबा फसल्ला फीही सलातन कान लहू कअजरिन उमरा, यहाँ पे दो रकात नमाज नफल अता करने से मकबूल उम्र का सवाब मिलता है, मकबूल उमरे का सवाब मिलता है। ये आपके बिल्कुल उल्टे हाथ में जो और लेडीज वाली साइड भी यही है, ठीक है जी, मर्दों वाली दूसरी साइड में और लेडीज की ये साइड है। ये मस्जिद कुबा है जो इस्लाम की पहली मस्जिद है, जहाँ पे दो रकात नमाज नफल अदा करने से मन ततहर फी बैतिही सुम्मा अता मस्जिद कुबा फसल्ला फीही सलातन कान लहू कअजरिन उमरा, जहाँ पे दो रकात नमाज नफल अदा करने से मकबूल उम्र का सवाब मिलता है। तो दुरूद व सलाम पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल जी। या फोटोग्राफर मकबूल उम्र का सवाब मिलेगा। ये मस्जिद कुबा है जो इस्लाम की पहली मस्जिद है, जहाँ पे दो रकात नमाज नफल अदा करने से मकबूल उम्र का सवाब मिलता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लम। अपने दो नफल तहियतुल मस्जिद की अदा करनी है, उसके बाद नौ नफल उम्र की नियत से आपने अदा करने हैं। आपके पास तकरीबन ये मस्जिद कुबा है जी, इस्लाम की पहली मस्जिद, और इसकी बुनियाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से रखी थी। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मस्जिद कुबा में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक महीना हुआ है, ये सितंबर 27 है आज, तो जमजम जो है ना यहाँ पे भी लगा दिया गया है। मस्जिद कुबा में अल्हम्दुलिल्लाह पहले नॉर्मल पानी होता था, अभी जो है जमजम का पानी जो है वो अब यहाँ से पी सकते हैं, लोग घर के भी ले जाते हैं माशाल्लाह। और मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा रखी थी खुद अपने हाथों से। सुभानअल्लाह।
अच्छा दोस्तों, एक बात आपको बतानी है। और अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, एक आपको एक बात बतानी है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आपको एक बात बतानी है जी, मस्जिद कुबा में ये उनके बाकी बहुत सारी मस्जिद में भी अगर आप जूता जो है ये कारपेट के ऊपर लेकर साथ बैठते हैं, बैग में नहीं डाला हुआ है, तो जो खादमीन हैं जहाँ मस्जिद मस्जिद के वहाँ पर जूता जो है सफ़र में से उठा के ले जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने जो है ना जहन में रखना है, ध्यान रखना है कि जूता जो है आपने सफ़ के ऊपर मसल्ले के ऊपर नहीं रखना। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा। ये मस्जिद कुबा है जी, इस्लाम की पहली मस्जिद जिसकी बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम नबूवत के बाद रखी थी। पहले भी मस्जिद थी, मस्जिद अक्सा थी और एक और खाना काबा था, लेकिन ये मस्जिद वो मस्जिद है जो नबूवत के बाद इसकी बुनियाद रखी गई। और आपको एक बात बतानी है कि कारपेट के ऊपर आपने जूता नहीं रखना। अगर जूता आपने साथ रखना है तो बैग के अंदर रखना है, ठीक है जी। अगर आपने जूता वैसे रखा कारपेट के ऊपर तो ये खादमीन जो हैं वो गिर रहे होते हैं, उन्होंने बैग में डालना है, जूता ले जाना है, फिर आपने ढूंढते रहना है ना। इस चीज़ का आपने हर जगह पर ख्याल रखना है। जैसे उनकी नज़र पड़ती है कहीं कारपेट के ऊपर जूता खड़ा है, वो अपना जूता उठा के ले जाते हैं, ठीक है ना जी। और वैसे भी ये हुरमत का आपको ख्याल रखना चाहिए। इज्जत हम बहुत करते हैं लेकिन ख्याल जो है वो नहीं रखते। तो आपने जूता जो है कहीं पर भी ले कर जाना है तो ये देखिए, ये बैग है हमारे, जूते चार लोगों के इसके अंदर है, ठीक है जी। ख्याल रखिए, हम याद रखिए, क्योंकि यहाँ से जाते हैं अभी जा रखते हैं, थोड़ा सवारी जा रहे हैं, ये पार्किंग जो बनाई है इधर इसके अंदर। तो अभी हम जा रहे हैं मस्जिद सबा मसाजद भी कहा जाता है, हमसा मसाजद भी, और गजवा खंदक। वहां जाइयो नफर क्या है, क्या है, क्या है? क्या है, क्या है, क्या है? नहीं जो ਕਿਤੇ ਸੋਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਮਦੀਨਾ ਸੋਨਾ ਬਾਵਾ ਦੇ ਬਲੰਦ ਮਦੀਨਾ ਸੋਨਾ ਏ ਕਿਤੇ ਸੋਨੇ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਵਸਦ ਕੇ ਇਨਾ ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਮਦੀਨਾ ਆਏ ਵਸਦ ਕੇ ਇਨਾ ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਖਜੂਰੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜੀ ਨਸੀਬ ਅਸ਼ੇ ਫਰਮਾਏ ਜੀ ਭਾਈ ਤਰੱਕੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਹਾਂ ਜੀ ਇਧਰ ਦੋ ਆਗੇ وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إنا تدخلنا وقد أتينا ठीक है, उधर रहेंगे। अभी तो काम चल रहा है मस्जिदों की तमीर, यानी कि वो महफूज कर रहे हैं, आपको इंशाल्लाह वो ज्यारत कराएंगे। उसके बाद फिर क़िबला टाइम की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। ये मदीना की गलियों में है, ये क्या है, मदीना शरीफ की गलियां। सारे जागो नालो लर खतरा सुना तो वस्सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। हाँ जी दोस्तों, अगर ये गाड़ी मस्कत में हो तो कितना ग्राम आना है तलातमिया सा किला हादा नमूना दाखल मस्कत हादा नफर मस्ताह शो हादा अयवा हादा शेख अल अरब वल्ला मर्दा अयवा सीधे सीधे जन्ना रब सीधे सीधे जन्ना इम्कन हादा खरबूती रकम वाहद ला मजनून हादा क्या फंतार आगे जो रहते हैं उधर ज़ियारत कर ले, हाँ जी, फिर पी ले, नहीं जो पी रहे वो पीते जाए, तकसीम बाद में कर ले। हाँ जी भाई सब सोचो जरा, अपने उल्टी हाथ के पर्दे पीछे करें जरा। क्या नाम है आपका? आशिक भाई, बैठा बैठ जाए। अमजद भाई जरा बैठ जाए, भी बस आगे आ जाओ, कर लियो उसको पार लो। नारी नारी सलात या रसूलुल्लाह, नारी तकबीर, नारी तकबीर,
आज भाई साहब अपने सामने आ जाता है खमसा मुसाबी जी, अपने जरा उल्टे हाथ में देखो पहाड़ के ऊपर। आज भाई साहब बातें बंद करें, भाई साहब बातें बंद करें, माफी बराबर अति नार नार अरे अपने उल्टे हाथ में देखो पहाड़ के ऊपर मस्जिद नजर आ रही है छोटी सी, ये मस्जिद फतह है पहाड़ के ऊपर छोटी सी मस्जिद नजर आ रही है ना जी, ये मस्जिद फतह है अभी बिल्कुल नीचे पहाड़ के बिल्कुल नीचे मस्जिद सलमान फारसी। एक दो तीन चार पाँच हाँ जी भाई साहब सर अपनी उल्टी हाथ में देखो पहाड़ के ऊपर मस्जिद फतह अभी बिल्कुल नीचे देखें, ये हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों मस्जिद एक ऊपर है एक है नीचे, सामने जो मस्जिद है ये अभी नहीं बनी है, ये सामने जो है जामिया खंदक ठीक है जी। अभी आगे जाएंगे, अभी अपने सीधी हाथ में सामने देखो ये जो पलाई लगी है उसके सामने देखो उधर गाड़ी गाड़ी छोटा छोटा मस्जिद अल खंदक छोटा छोटा मस्जिद। हाँ जी भाई साहब अभी अपने ये सीधी हाथ में देखो ये मस्जिद है, अभी सीधे हाथ में देखो ये आइसक्रीम वाली मस्जिद के साथ आइसक्रीम वाली गाड़ी के साथ मस्जिद है, ये मस्जिद है उमर बिन खताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये आइसक्रीम की गाड़ी है ना ये देखो हजरत उमर बिन खताब, अभी उल्टे हाथ में देखो पहाड़ के ऊपर भी मस्जिद है वक्फ शोही शोही बस वक्फ। हाँ जी ऊपर देखो हजरत मौला कायनात हजरत अली की मस्जिद है, फिर आगे ये बसों के आगे एक मस्जिद है छोटी सी नीचे पहाड़ के बिल्कुल नीचे, वो सामने हजरत फातिमा तुज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, वो जिधर आदमी खड़ा है नजर आ गई ठीक है जी। ये ला अभी ये तैयारी कर रही है, देखो ना वो काम चल रहा है ना इनका, इधर भी उधर भी वो देखो ना उधर ऊपर ये सारा खाइए ये गया, अभी अपने सीधे हाथ में देखो ये सकते उधर पे ठीक है जी, और ये जो रोड है ये खंदक खोदी गई थी और सामने पहाड़ जो देखो पहाड़ है ना जो देखो इसका नाम है जबले सिला, पहाड़ का नाम क्या है जबले सिला, अभी बिल्कुल सामने मस्जिदें आपको नजर आ रही है पहाड़ के ऊपर मस्जिद फतह, नीचे सलमान फारसी, अभी पीछे देखे हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, उसके आगे अपने उल्टे हाथ में देखे ये मस्जिद किबला तैन है जहाँ पे किबला चेंज हुआ हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, पीर उस्मान की जियारत करके वापस इधर इंशाल्लाह आएंगे और नफल अदा करेंगे। हाँ जी इमरान अच्छा असि हूं जाने बेची जाती है खजूर है ठीक है, अभी देखे जी अपने सीधे हाथ में आगे जाके गाड़ी ये वापस टर्न लेगी आपके सीधे हाथ में, ये देखो तस्वीरें में लगी हुई है शेख अबू मान, ये बीर उस्मान है ये वो कुआं है जो हजरत उस्मान गनी ने खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया था, ये बिल्कुल सामने देखो जी तस्वीरें भी है सब कुछ है, ये बाग है बीर उस्मान ये नाम भी लिखा हुआ है बीर उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु। हाँ जी अपना वक्फ शोही बदर जा। हाँ जी भाई देखे ये बीर उस्मान ये हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, तो आपने बीर उस्मान और जो बाग है तो उनका जो हजरत उस्मान ने कुआं लेके वक्फ कर दिया था क्योंकि जो बाग की खजूरें हैं वो भी उसका और पानी का जो यानी कि पैसा होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल चाल है, अभी आपने बीर उस्मान देख लिया है ये सामने बाग, और अगर आपने खजूरें लेनी है उस्मान गनी के बाग की और उस्मान गनी के कुएँ का पानी, और ये भी इस जो खजूरें खरीदी जाती हैं ये पानी अगर आप खरीदते हैं या पीते हैं यूज़ करते हैं तो उसका पैसा जो है हजरत उस्मान गनी के अकाउंट में जाते हैं, आज भी उनका अकाउंट मौजूद है और आप अक्सर आपने वो क्वेश्चन सुने होंगे कि आपको तो इस चीज़ का पता है एक बंदा है वो बहुत हो चुका है लेकिन उसका अकाउंट एक्टिव है आज भी चल रहा है हजरत उस्मान गनी है, वो वहीं से आप ऑर्डर लेते हैं यहाँ से आप आते हैं दूसरी साइड से पहले से वो सामने नजर आया दूसरी तरफ लीटर लेंगे तो इधर शॉप है हरवा अल मदीना, यहाँ से आप उस्मान गनी के बाग की खजूरें भी ले सकते हैं और यहाँ पे कूलर लगा हुआ है पानी भरे ठीक है जी, इससे कुएँ का जब पानी वक्फ किया था उस्मान ने मुसलमानों के लिए तो उसी ने फरमाया था कि अगले जन्नत की बशारत जो है वो जिक्र किया था उस्मान गनी जन्नत के लिए ठीक है।
ठीक है जी, यहाँ से पानी भरें, पिए और बोतल साथ लेके आए, बड़ी भी हैं छोटी भी हैं, तो अपने घर वाले के लिए भी लेके जाएँ। जैसा कि खजूरे में एक नंबर की खजूरे मिलते मदीना आते हैं, या तो यहाँ से खजूरे लें या फिर जो है जो मदीना की बड़ी मार्केट है जो कि मदीना से थोड़ा दूर हो गई है, पहले हरम के करीब होती थी, वहाँ से लें। जज़ाकल्ला। और आशिक भाई जो है ना, इन्हों की मेनू तो समझ नहीं आ रही फिलहाल। अरे ये मस्जिद किबला तैन सामने, आपको इसका वाकया मैंने सुना दिया है, ठीक है जी। ये मस्जिद किबला तैन जहाँ पे किबला चेंज हुआ, पहले बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके पढ़ते थे, फिर आकर असलातु सलाम की सहाबी आयादत के लिए फिर इधर जमात कराई, तो दौरान नमाज कद नरा तकल्लुब वजहका फिस समाई फलनवल्लिन्नका किबलतन तरदाहा। मस्जिद किबला तैन जहाँ पे किबला चेंज हुआ, ठीक है, दौरान नमाज सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा वधा आसमान की तरफ उठा रहे थे, तो खालिक कायनात ने फरमाया प्यारे महबूब मुझे पता है तेरी मंशा है, तेरी रजा है किबला चेंज करने की, कादनवा तकल्लुब वजहक फिस समाई फलनवल्लिन्नक क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम। प्यारे महबूब अपना किबला इधर फिर किबला चेंज हुआ, दो रकात नमाज बैतुल मुकद्दस की तरफ पढ़ेंगे और दो बैतुल्ला की तरफ, ठीक है, दो आपने तहियतुल मस्जिद के नफर अदा करने, दो फर्ज और दो सलातुल हाजात के, ठीक है, दुआ का। हाँ जी भाई साहब, ये मस्जिद किबला तैन है, ये मस्जिद है किबला तैन, किबला अव्वल इधर था पहले, वो ऊपर देखो निशान क्लोज करें जरा। हाँ जी किबला अव्वल ऐसे इधर आ जाए, किबला अव्वल इधर था पहले, इधर मुंह करके नमाज पढ़ी जाती थी, ठीक है, फिर किबला चेंज हुआ, अकेला सलातो सलाम ने जमात कराई चार रकात वाली नमाज, ठीक है, तो दो रकातें बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके पड़ी और चेहरे अनवर बार बार आसमान की तरफ उठा रहे थे, तो दौरान नमाज वही कद नरात कल्ब वजहका फिस समाई फलनवल्लिन्नका किबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। या प्यारे महबूब मुझे चेहरा तेरा आसमान की तरफ उठाना बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे पता है तेरी मंशा है, तेरा इरादा है किबला चेंज करने की, तो आप अपना किबला चेंज कर दो। तो सरकार ने दो रकातें बैतुल मुकद्दस की तरफ पड़ी और दो फिर मुँह फेर लिया और सब चीज़ किधर चली गई, फिर दो रकातें किधर पड़ी बैतुल्ला की तरफ, पहले इधर और फिर दो इधर, ठीक है, और इधर किबला चेंज हुआ, इसलिए इस जगह को कहा जाता है मस्जिद किबला तैन, मस्जिद किबला तैन के यहाँ पे दो किबलों वाली मस्जिद। सरकारी के सहाबी की अयादत के लिए तशरीफ लेकर आए थे, अयादत के लिए नमाज का टाइम हुआ, तो सरकार ने दो रकातें इधर पढ़ी और फिर दौरान नमाज वही आ गई, कद नरा तकल्लुब वजहका फिस समाई फलनवल्लिन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। प्यारे महबूब अपना किबला चेंज कर दो, सरकार ने दो रकातें इधर पढ़ाई और इधर आकर सलातो सलाम की एक हाजात पूरी हुई, ठीक है, इधर सलात हाजात अदा करनी चाहिए, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें बार बार इस मुकद्दस मकामात की ज़ियारतों की तौफीक अता फरमाए, हमारी आने वाली नस्लों को भी आने की तौफीक अता फरमाए। तो ये मस्जिद किबला तैन की हमने ज़ियारत की है, नमाज ज़ुहर भी अदा की है और नफल भी अदा कर ली है, इंशाल्लाह अभी हमारी बहुत बड़ी बारगाह में हाज़िरी होने वाली है हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, अभी शोदा हुद की तरफ इंशाल्लाह हम सफ़र करेंगे, अल्लाह कबूल फरमाए। किबला की तरफ मुकर की पड़ी 17 महीने तक, जब आकरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीने में तशरीफ लेकर आए, ठीक है, और मदीने में जब तशरीफ लेकर आए सहाबी की अयादत के लिए आए, तो तकरीबन कम से कम 17 महीने तक नमाज बैतुल मुकद्दस की तरफ मुकर के पड़ी गई, फिर इधर किबला चेंज हो गया 17 माह बाद तकरीबन मक्का से मदीना हिजरत के कमोबेश 17 माह बाद जो है किबला चेंज हुआ, माशाल्लाह। हाँ जी दोस्तों, तो अभी हम जा रहे हैं जी शोता है और सामने जो पहाड़ है ये है जी जबले उहद, जरा उस्ताद जी।
इस पहाड़ को जन्नत का पहाड़ कहा जाता है। ये मस्जिद क्या डी अमीर हमजा मस्जिद। अमीर हमजा मस्जिद की बारगाह हजरत अमीर हमजा की बारगाह है। जब आकल सलाम मदीना से निकले तो साथ में 300 मुनाफिक तो निकल गए। ठीक है, तो सहाबा ने अर्ज किया सुना आज इस्लाम को मोहम्मद के आशिकों की जरूरत है, मुनाफिकों की जरूरत नहीं। तो ये मैदान उहद है। ठीक है, तो अभी सामने पहाड़ है जबले रुमात, नीचे उतर के दिखाते हैं। तो बस में मैंने बता दिया है। ठीक है, जबले रुमात यहाँ पे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज बैठाए थे। ठीक है, अभी सलाम इकट्ठी करेंगे जाके और फिर इकट्ठे वापस आ जाएंगे। जब निकलेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बाकी वाकयात बताता हूँ। ठीक है, आज ये सब नीचे सलाम के लिए अर्ज करते आगे। ये इज्तमाही तौर पे कपड़े हैं, ये अंदर देखें, ये इज्तमाही तौर पे कपड़े हैं। आगे जाके सलाम अर्ज करेंगे। ठीक है जी, फिर सब आ जाएंगे आगे। और पीछे जबले उहद पहाड़ है, पीछे जबले उहद है और ये छोटा पहाड़ है जबले रुमात। ठीक है, इधर सरकार ने 50 तीर अंदाज बैठाए थे। सब आगे आने दो, आने दो सब। السلام علیکم السلام علیکم یا سید الشہداء یا سید الشہداء السلام علیکم السلام علیکم یا سید الشہداء یا سید الشہداء السلام علیکم السلام علیکم یا سیدینا یا سیدینا امیر حمزہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ السلام علیکم السلام علیکم یا امیر مدینہ یا امیر مدینہ السلام علیکم السلام علیکم یا امیر السلام علیکم السلام علیکم مدینہ السلام علیکم یا گورنر مدینہ السلام علیکم یا اسد اللہ و اسد رسوله السلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا مصعب بن عمیر السلام عليكم السلام عليكم عبد الله بن جهش يا عبد الله بن جهش رضي الله تعالى عنهم السلام عليكم يا سيدنا امير حمزه رضي الله تعالى عنه ابھی تین چار دفعہ ہم نے کہنا ہے، میں نے عرض کرنی ہے امیر مدینہ، آپ نے ان کا نام لینا ہے امیر مدینہ امیر حمزہ امیر طیبہ امیر حمزہ امیر مدینہ امیر حمزہ والی مدینہ امیر حمزہ گورنر مدینہ امیر حمزہ امیر طیبہ امیر حمزہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابھی ایک دفعہ سورۃ فاتحہ، تین دفعہ سورۃ اخلاص، اول آخر دروشی پڑھیں، پھر دعا کیجیے۔ اللہم صل علی احد۔ یہ جنتی پہاڑ ہیں اور حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ کی ہماری حاضری ہوئی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ تو آپ کا لقب ہے امیر مدینہ، امیر طیبہ، والی مدینہ، گورنر مدینہ، خوشبو احد، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، ان کی بارگاہ کی حاضری ہوئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پیچھے جو پہاڑ ہے اس کا نام ہے جبل رومات، جبل رومات، اس کے اوپر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 50 تیر اندازوں کو بتایا۔ کتنا؟ 50 تیر اندازوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، فرمایا کہ اس پہاڑ پہ 50 تیر انداز کھڑے ہو جاؤ، جب تک میں نہ کہوں نیچے اترنا نہیں۔ جیسے کہنا بھلا ہوا تو کافر آگے لگ کے صحابہ وضاحت دیکھا نا، جنگ جیت چکے ہیں تو نیچے آئے۔ اس وقت خالد بن ولید نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، پیچھے سے پھر حملہ کیا۔ ٹھیک ہے، اور ادھر سے بہت سے صحابہ شہید ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے یہ آگے اجتماعی طور پہ کپڑے ہیں، ادھر ہم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمین شریفین میں کھڑے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ، آپ کا لقب امیر مدینہ، امیر مدینہ، امیر طیبہ۔ تو شہر میں کسی آنے میں گورنر کی، امیر کی اجازت چاہیے نا، تو بارگاہ میں پیش کرو حاضری حاضریاں۔ بہت بڑی بارگاہ ہے حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ آ جائیں جی، کی زمین جس میں ہے وہ مکی، یہ احد کی زمین جس میں ہے یہ مکی، میرے حمزہ پیا، میرے حمزہ پیا، میرے حمزہ پیا، میرے حمزہ میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے ان پاک ہستیوں کا صدقہ بار بار مکہ مدینہ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ آج بسم اللہ، اللہ مسلم
हाँ जी, ये है जी गजवा अहद का पूरा नक्शा, आप देख सकते हैं जिस तरह से जाना हमने इधर सारी खुशी बयान की हुई है। बाकी मल्लम अच्छा हो तो वो भी आपको बेहतरीन गाइड कर सकते हैं।